उस सीरियल में दो जलंधर वो समझ गया। एक मिनट में आपको पता है कि जब लव कुश पैदा भी नहीं हुए थे एक मिनट जी तो रावण का वध हो चुका था, लव कुश का जन्म उसके बाद हुआ। तो आज जो दो दिन बंद करवाए बस यही हमारी बाकी हमारी बंद करवा मेन हमारा ये मोटिव नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब की कोठी पर, जहां पंजाब से आए लोग राम सिया के लव कुश एक सीरियल जो कलर्स चैनल पर जो प्रसारित है और उसको लेकर जो वाल्मीकि समुदाय के अंदर जो आक्रोश है, जो रोष है, वो सिर्फ वाल्मीकि समाज के अंदर है। क्यों? जब राम, राजा राम जब सबके हो सकते हैं, पूरे देश के राजा राम हो सकते हैं, और वहीं जिन्होंने 10,000 वर्ष पहले जो राम के जन्म से 10,000 वर्ष पहले जो रामायण रच दी, जो महाकाव्य रच दिया, मगर उस वाल्मीकि जी के जो गलत सलत जो अंडसंड जो दिखाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर जो दिखाया जा रहा है, उस पर सिर्फ वाल्मीकि समाज ही आक्रोशित है। ऐसा क्यों? तो ये सवाल जो है बहुत सारे हैं और हम बात करेंगे। देखिए हमारे बीच में काफ़ी पंजाब से लोग जो है वो आए हुए हैं, हम चर्चा करेंगे। हंसराज हंस जी भी हमारे बीच में हैं, हम उनसे भी चर्चा करने की। दिल्ली से एमपी हंसराज हंस जी, पद्म श्री हंसराज हंस जी हमारे साथ में। हंस जी क्या कहना चाहेंगे, जो राम सिया के लव कुश जो सीरियल जो जिस पे इतना बवाल जो पंजाब के अंदर अभी हुआ है कि युवा को जो गोली भी लगी है वो घायल है गंभीर रूप से, तो इस पर बैन नहीं लग पा रहा, और आप तो बीजेपी में हैं और अभी जावड़ेकर साहब जो कहकर गए हैं, क्या उस पर आप सहमत है? बिल्कुल 100% सहमत है जी। हम ही आए थे ऑनरेबल ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जनाब प्रकाश जावड़ेकर साहब के पास, तो उन्होंने इतना इमीडिएट एक्शन लिया, एकदम नोटिस भेजा, इसीलिए सबको ये खबर पहुंची है। चैनल के मालिक, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब आए हैं, समाज भी सारा आया है, साधु संत समाज भी आया है, सारे हिंदुस्तान के लोगों की जो पॉजिटिव सोचते हैं उनकी यही है कि और बड़े हमें मसले हैं, ये वायलेंट ना हो, बड़ी अच्छी तरह हम ये महापुरुषों का सत्कार करें और जल्दी ये इसको निपटा लें। अच्छा, आपने शिविर में सफाई कर्मियों की जो आवाज़ जो बुलंद तरीके से और अपने कवि अंदाज में जो उठाई थी और उस पर अमल भी तकरीबन जो है वो किया जा रहा है, तो ऐसे ही वाल्मीकि जाति सिर्फ क्यों इस बात से गुस्सा है कि वाल्मीकि जी के बारे में जो गलत सलत दिखाया जा रहा है, जबकि राजा राम पूरे देश के हैं, तो वाल्मीकि ही के बारे में सिर्फ वाल्मीकि जाति ही क्यों गुस्सा होती है, वो तो जबकि ये पूरे देश का मसला है। गुरु पीर पैगंबर वो तो बहुत बड़ी ताकतें होती है, इवन आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन, थिंकर, ये भी सबके सांझे होते हैं, सब तो चलिए देखिए इनका बिल्कुल साफ कहना है कि ये सबके साझे होते हैं, और लेकिन मानते सिर्फ जो है वो जो दिलो जान से जो मानते हैं वो सिर्फ वाल्मीकि जाति के लोग होते हैं, बाकी तो चोर डाकू कहने में जो है वो मस्त हैं भगवान वाल्मीकि जी को। और शशि गिल जी जो पार्श्व गायक है पंजाब से, और रिदम कल्याण जो आपने देखे होंगे उनके मामा श्री हैं और बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं और पार्श्व गायक है, पंजाब से आप आए हैं? पंजाब से शशि गिल, सबको पहले मेरा जय वाल्मीकि जी, और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं अलग अलग संगठनों से, आज हमारी सूचना प्रसारण मंत्री जी से मतलब बातचीत हुई है, और इसका श्रेय जो जाता है तरुण चुग जी को और हंसराज हंस जी को जाता है, जिन्होंने हमारी ये बात इन तक रखी और उन्होंने आज आश्वासन दिया है कि ये जल्द से जल्द राम सिया के लव कुश जो सीरियल है वो बंद किया जाएगा और सेंसर बोर्ड में हमारे दो सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे। ये इस चीज़ से हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी और आगे अगर ये चीज़ें लागू नहीं होती तो समाज अपना संघर्ष जारी रखेगा। जय वाल्मीकि जी। अच्छा, ये जो गोली जो लगी थी गोपी को नकोदर में, जालंधर में, तो उसका क्या रहा, और क्या जो जिन्होंने गोली मारी थी क्या उन पर एक्शन हुआ, क्या वो गिरफ्तार हो गए? हाँ बिल्कुल, पुलिस ने उन पर एक्शन लिया है, उन पर पर्चा दर्ज करके उनकी अरेस्ट भी डाली है, और गोपी जी अभी खतरे से बाहर हैं और
उनका स्वास्थ्य अब ठीक है। सभी समाज के लोग उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने समाज के लिए जो किया है वो उनका याद रखा जाएगा। अच्छा, गोली क्या प्रशासन की तरफ से लगी या नहीं? नहीं नहीं, ये किसी दुकान में उन्होंने जाके जब बंद करवाने के लिए बोला तो आगे से उन्होंने थोड़ा गाली गलौच हुई, जिसकी वजह से उन्होंने इन लोगों पर हमला कर दिया। ये बिना हथियारों से थे, उनके पास हथियार थे और दुकानदार ने अपना हथियार निकाल के इन पे गोली चलाई। प्रशासन की नाकामी है जी। हाँ, प्रशासन की नाकामी है, मगर सुरक्षा प्रबंध प्रॉपर से नहीं प्रॉपर नहीं थे, जिसकी वजह से हुआ है। मगर अब प्रशासन ने उन पे अपनी शिकंजा कसा हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, इनका बिल्कुल सही कहना है कि प्रशासन की गलती रही है, क्योंकि कॉल जो हुई थी वो एक दिन पहले नहीं हुई, काफ़ी दिनों से जो है वो कॉल की गई थी कि जो पंजाब को जो है वो बंद किया जाएगा, और काफ़ी जनसंख्या में यहाँ पर जो है लोग वो आए हुए हैं। जी जी, ओम प्रकाश जी क्या कहेंगे, क्या जो और एक वाल्मीकि तीर्थ जो इतने भारी बजट से जो बनाया गया, बादल सरकार ने जो बनाया, पूरे समाज ने जो बनाया है, और उसका नाम वाल्मीकि तीर्थ की जगह राम तीर्थ कर दिया गया, और उसको प्रसारित भी बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जागो समाज चैनल का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने बोलने का मौका दिया इस चैनल से। ऐसा है कि पूरे भारत के अंदर करोड़ों वाल्मीकि समाज के जो लोग रहते हैं, उनकी आस्था का केंद्र जो है वो अमृतसर पावन वाल्मीकि तीर्थ है, और सरकार ने जो पैसा लगाया 300 करोड़ रुपए लगाकर उस मंदिर को बनाया गया, और वो जो मंदिर है वो वाल्मीकि परमात्मा का मंदिर है, वाल्मीकि तीर्थ उसको कहते हैं, और वहाँ पर माता सीता जो है गर्भवती हालत में वहाँ पर आई थी, इसलिए वो वाल्मीकि मंदिर है। तो अगर उसको और किसी नाम से पुकारा जा रहा तो हम कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर राम के बहुत हजारों मंदिर हैं, लेकिन वाल्मीकि परमात्मा का तो एक ही मंदिर है, इसलिए वो वाल्मीकि तीर्थ है और वाल्मीकि समाज उसको वाल्मीकि तीर्थ ही मानता है। जी, चलिए, धन्यवाद सर। हम यहाँ जो सूचना व प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर भारत सरकार में मौजूदा वर्तमान में हैं, और उनके साथ श्रीमान हंसराज हंस जी जो बीजेपी सरकार में अब मौजूदा सांसद हैं, तो उनको साथ में और पूरे देश का वाल्मीकि समाज कई प्रांतों का, विशेष पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश काफ़ी संख्या में। तो आज हम जो संत समाज की तरफ से, मैं सूचना प्रसारण मंत्री जी को अपना जो हमने एक ज्ञापन दिया कि जो भगवान वाल्मीकि महाराज के प्रति लव कुश राम सिया के जो एक नाटक सीरियल कलर्स चैनल पर प्रसारण हो रहा है, तो वो उसमें तथ्यों से हीन है, तथ्य परख नहीं है, प्रमाणिकता को प्रसिद्ध वो नहीं करता, वो साक्षात को जो है मापदंड पे खरा नहीं उतरता। तो उसके लिए श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है कि ये जो आप चाहेंगे तो वो उसी आधार पे उसको चालू होगा, आप नहीं चाहेंगे तो उसको बंद कर दिया जाएगा। ये अभी प्रकाश जावड़ेकर जी के शब्द अभी हैं। आज हम यहाँ 18 सितंबर 2019 में और उनके प्रांगण में दिल्ली में उनके घर पे उनके आमंत्रण पर आए थे, और हमने उनको अपनी बात कही है। और प्रकाश जावड़ेकर जी से गुजारिश है कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन सेंसर बोर्ड जो होता है, जिसके अधीन कोई लघु नाटक हो, फिल्म हो या अन्य कोई धारावाहिक हो, तो उसमें सेंसर बोर्ड अपना प्रतिनिधि जो उसको देखता है, तो उसमें वाल्मीकि समाज का कोई प्रबुद्ध व्यक्ति को जो है उसमें सदस्य रखा जाए, उसमें सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, इनका एकदम सही कहना है कि जो सूचना प्रसारण जो मंत्रालय है और जो टेलीकास्ट जो करते हैं जहाँ से पास होता है, वो उसमें जो है वाल्मीकि समाज के अभी जो है प्रतिनिधि उसमें होना चाहिए। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।